Hello friends, this is the TS7 Android car player. In this video we have discussed about how to quickly start any Android car player. Stop ignition your car in any function and any time. So you want our player start on this point. So how to set this type of setting. फ्रेंड्स ये TS7 एंड्रॉयड कार प्लेयर है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे जो प्लेयर है उसको क्विकली स्टार्ट कैसे करते हैं, और जैसे कि हम कभी कभी हम अपनी कार की इग्निशन को ऑफ कर देते हैं, जिससे प्लेयर हमारा कहीं भी अगर जिस पॉइंट पर ऑफ होती है फिर से वहीं पॉइंट पर हमें स्टार्ट करनी है। तो देखते हैं इस सेटिंग को हम कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने इसको रिस्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए इसको पहले मैंने इग्निशन ऑफ कर दिया और फिर हमारा ये जो है क्विकली स्टार्ट होगी और इसी पॉइंट पर स्टार्ट होगी, डायरेक्ट बूटिंग नहीं होगा। ये देखिए डायरेक्ट ऑन हो गई, बूटिंग नहीं हुआ। ठीक है, जैसे एंड्रॉयड के साथ पहले ओपन होती थी, एंड्रॉयड का लोगो बन गया था, अब डायरेक्ट ओपन होगा। आप कोई फंक्शन पर अगर इग्निशन ऑफ कर देते हैं, डायरेक्ट फिर चालू करते हैं तो वहीं से ऑन होगा। देखिए, तो देखते हैं इसकी सेटिंग कहाँ पर है, कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें जैसे कि मैं अभी एक चीज़ और चेक करके दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने ये सेटिंग ऑन करके रखता हूँ और फिर मैं इसको ऑफ करूँगा। देखिए, मैं फिर इसका इग्निशन ऑफ कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने अभी इग्निशन ऑफ कर दिया और प्लेयर को मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो ये हमारी प्लेयर एंड्रॉयड पर स्टार्ट हो रही है। देखिए, जैसे एंड्रॉयड पर स्टार्ट हो रही है तो यही हमको इसको डायरेक्ट हमें अपने सेटिंग पर स्टार्ट करनी है। हमने ये सेटिंग ऑन कर दी है, लेकिन अब मैं जब इसको इग्निशन ऑफ करूँगा तो डायरेक्ट ये हमारी यही पेज ओपन होगा, जो पेज पर ये हमारी प्लेयर ऑफ हुई है, बंद हुई है, इसी पेज पर देखिए फिर ऑन हो गई। देखिए, जैसे हमने इग्निशन ऑफ किया, ये डायरेक्ट इसी पेज पर हमारी ये ऑन हो गई प्लेयर, जो पॉइंट पर हमारी प्लेयर ऑफ हुई थी, देख लीजिए। तो देखते हैं ये सेटिंग कहाँ पर है और इसकी सेटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ऐप्स पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन ऐप्स एप्लीकेशन क्लिक करेंगे, देन सेटिंग, उसके बाद हमें क्लिक ऑन सेटिंग पर क्लिक करनी है, देन मोर, उसके बाद मोर पर क्लिक करनी है, क्लिक ऑन मोर, देन कार सेटिंग, क्लिक ऑन कार सेटिंग पर क्लिक करेंगे, देन यू शो स्लीप, ये स्लीप ऑप्शन जो आ रही है इस पर क्लिक करनी है, क्लिक ऑन स्लीप, देन सम फंक्शन हेयर अवेलेबल, तो इसमें जैसे कि हमारी स्लीप ऑफ 2 आवर्स है, 2 घंटे के लिए है, फिर 1 डे, फिर 3 डे इसमें है, इसको सेटिंग कर देंगे तो हमें ये 3 दिन के बाद अगर सेटिंग करते हैं तो हमें 3 दिन के बाद फिर सेटिंग अपना करना पड़ेगा, 1 डे है या फिर 3 आवर्स, उसकी सेटिंग कर लेंगे उसकी। तो हमने अभी इसमें सेटिंग कर ली है, अब इसको हम इग्निशन ऑफ करते हैं। अब हमें देखिए इग्निशन मैंने ऑफ कर दी, अब मैं इग्निशन ऑन करूँगा। देखिए, जैसे ऑन करूँगा ये प्लेयर हमारा जिस पॉइंट पर ऑफ हुई थी वही पेज हमारा फिर से ऑन हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी सेटिंग करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जैसे हमें इसकी क्विकली जो बूटिंग होती है कैसे इसकी सेटिंग करते हैं। अगर किसी के पास T5 एप्पल कार प्ले है और उसकी सेटिंग करनी हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। तो इस तरीके से वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।